أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك، ربنا زدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So we had finished verse number 54, जो अपने अंदर एक पूरा दरिया है, छोटी सी आयत. A quick revision, we had finished it. We will move to 54. तो यहाँ पे व मकरु पर ये जो कहा जा रहा है, वा जो है अत्फ है और मकरा इसका फेल, ये फेल है, और वाओ अलिफ इस थर्ड पर्सन प्लूरल जो उन लोगों की तरफ जा रहा है जो मकर कर रहे थे, जो गलत साजिशें कर रहे थे या प्लानिंग कर रहे थे. Who were they? कौन लोग थे? मतलब एक तो अच्छे लोग थे और एक थे जो बुरे लोग जो अगेंस्ट थे हज़रत ईसा अलैहि सलाम के. भूल गए, मैं कुछ और बताया था. वो जो इख्तदार में थे, जो यहूदी बादशाह था, वो लोग है ना, they wanted to kill him, इख्तदार वाले. चलिए, वो मकर क्या था जल्दी से वो भी बता दीजिए. वो मकर जो मकर था, क्या था? मकारी. वो क्या था? What was that? Can you describe it in few words? मकर कर रहे थे वो, तो क्या मकर कर रहे थे? What was the trick? उन्होंने मकर किया. तर्क, I mean, कोई खुफिया साजिशें कर रहे थे. क्या थी वो? वो क्या थी? ओके. एक उन्होंने हवारी बना दिया था और वो मकबरी करता था और उसके जरिए ईसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचना चाहते थे. फिर अल्लाह सुबहानहु तआला ने क्या चाल चली? अल्लाह सुबहानहु तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा बंदा की शक्ल का बंदा उतारा. नहीं, उतारा नहीं, हाँ, उसको बना दिया. जो मकबर था उसी के शक्ल ईसा अलैहिस्सलाम की तरह बना दी. चलिए, आखिरी टुकड़ा जल्दी से करिए. ओके. असल चीज तफसीर भी याद रखना. जी, बिल्कुल. ग्रामर कर लेने से भी.
जी, वा मकर लाहु, वा जो है वो अत्फ है, मकरा फेल और फाइल जो इसका जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर वो अल्लाह की तरफ जा रहा है, और वा वल्लाहु खैरुल माकिरीन, जो वाव है दोबारा अत्फ हो रहा है, अल्लाहु मुब्तदा है और खैरुल माकिरीन इसकी खबर है। अल्लाह की चाल के सामने किसी की चाल नहीं चलती। जी बिल्कुल, बेशक है जी बिल्कुल, हम मुफ्तो वर्स नंबर 55। ये बड़ी रिच आयत है, थोड़ी बड़ी भी है, इसको दो तीन लोग मिल के करेंगे। जी अफसर बिल्कुल, हसन, यू हैव टू टेक ए स्टार्ट। अफसर अफसर, ये तुम्हारे मतलब की आयत है और इसमें बहुत से डाउट तुम्हारे को हमेशा रहे। चलिए कहाँ तक करेंगे। आ रही ना स्क्रीन पे, वैसे पुरानी आती है। अच्छा भी आ जाएगी, थोड़ा टाइम लेती है ना आने में। सबके पास आ रही है? जी सैयद साहब, मेरे पास तो आ रही है। गई ऐसे मौके पे कुरान भी साथ रखना ज्यादा अच्छा है। आ जाती है लेकिन वो थोड़ा टाइम भी लेती है। नहीं है ये भी? जो वो मकर हुआ, मकर अल्लाह, अल्लाह खैरुल माकिरीन। रन ले लो वहां से, बाजू कहीं होगा उठा लो, आ जी जाएगी। तो टाइम होता है क्या बात है। जी रन ले लो, अगर स्क्रीन पे नहीं आए तो। चलो जल्दी करो, क्या बहुत देर कर रहे हो। आ गई अब स्क्रीन पे। अब अच्छा स्क्रीन पे आ गई। इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़ी का व राफ़ी का। चलो यहाँ तक कर लिया, बस बस इतना ही पहले, इतना ना ही करो। मुतवफ़ी का तक करो। जी इज जब ये को क्या करेंगे इन। जी ये वेरी गुड, कम ऑन, गो ऑन। कहा उसने कहा, मगर यहाँ पे अल्लाह आने से उसका सब्जेक्ट अल्लाह बन जा रहा है। अल्लाह ने कहा ईसा अलैहि सलाम से, या ईसा। इन्नी इस काल अल्लाह के कमाल रुका ही क्यों जा रहा है। इन्नी मैं आगे बोलो, मैं मुतवफ़ी का तुमको कहा जा सकता ईसा तुम के लिए है, और मुतवफ़ी ये वर्ब है, और अल्लाह सुब्हान तआला कह रहे हैं कि मैं लौटाऊंगा। मुतवफ़ी का मैंने लौटाने के लिए आगे काम बढ़ रहे हैं, इतना तो पहले करो। इज़ क़ाल लहु या ईसा इन्नी मुतवफ़ी का इतना करो आगे, अभी क्यों जा रहा है।
ये क्या वर्ड है, ये कहाँ से निकला, ये है क्या, ये वफा, इसका कोई रूट वर्ड होगा, वफा, वेरी गुड, वफा है। चलिए इसके मायने क्या है, ले, ले, और ये किस में है, फेल है या इसमें है, ये फेल है, इज इट अ वर्ब और ए नाउन, फेल वर्ब नहीं, वर्ब नहीं है, मुतवफी, मुतवफी से मैं लेने वाला हूँ, नहीं इसके मायने लेने के हैं, लेने के मायने बिल्कुल नहीं आएंगे। हमारा क्या ही है सर, ये वफ़ा का मतलब पूरा करना, वफ़ा का मतलब पूरा करना होता है, और यहाँ पर मतलब पूरा करने का मतलब है कि वफ़ा दूंगा, मुतवफ़ी वफ़ा देने वाला या पूरा करने वाला हूँ तुम आपको, ये एक इस्मिया, मैं तो इसमें नहीं है सर, क्योंकि ये मीम से शुरू हो रहा है, इसमें फाइल, इसमें फाइल है जी, का जी, इसमें फाइल है जी। अब ये देखिए, अब तो जस्ट तुम अपने आप को म्यूट कर लो, हमारा अफसर यहाँ से क्या है, इस काल अल्लाहु को हम क्या कहेंगे, और या ईसा इन्नी मुतवफ़िका को क्या कहेंगे, ये क्या है, इतना टुकड़ा क्या है, पहला जो सब कॉल, फिर कॉल रिपोर्टिंग स्पीच, पहले का जो सब कॉल रिपोर्टिंग स्पीच है ना, उसके बाद जो आ रही है ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच या मकोला, मकोला इसका मकोला है अल्लाह सुबहानहु तआला ने, जैसा ईसा अलैहिस्सलाम को मुखातिब किया था, और जो बातें अपनी तरफ से उनसे फरिश्ते के जरिए की थी, वो एज इट इज यहाँ पर रिपीट हुए, इसीलिए इसको हम बार बार कहते हैं, अगर ग्रामर में कोटेशन मार्क्स या पंक्चुएशन होते तो ग्रामर में इस तरह से ये टुकड़ा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जो है ये डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, इसको यहाँ पर कोटेशन में रखते या इनवर्टेड कॉमास में रखते थे। उससे पहले एक रिपोर्टिंग स्पीच है, हु सेड टू हुम, है ना, ये अल्लाह सुब्हानहु तआला। अब हम या ईसा, हालांकि वो उसका मफूल है, खाल अल्लाहु का, खाला का मफूल है, अल्लाह सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और चूंकि अल्लाह सुब्हानहु तआला इनको पुकार रहे हैं, इसलिए this will be included in the maqala, Allah addressed him with his name, Allah addressed him with his name, are you following ji, ya isa mein ji kya hai, kaun kya kehta hai, nada pukarne wala bhi hai और जिसको पुकारा जा रहा है वो भी है, पुकारने वाले कौन है, नादा पुकारने वाला, मुनादा,
जिसको पुकारा जाता है या जिसको मुखातिब किया जाता है। नादा कौन है? नादा यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला है। पुकारने वाले कौन है? नादा ईसा अलैहि सलाम। अल्लाह सुब्हान ईसा अलैहि सलाम है। अब वो अल्लाह सुब्हान तआला है या से शुरू हुआ, उसके बावजूद भी आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला है, तो आपको मालूम कैसे हुआ कि ये पुकारने वाले या मुखातिब करने वाले अल्लाह सुब्हान तआला है? ये कैसे मालूम हुआ? उसे टुकड़े से मालूम हुआ। ये रिपोर्टिंग फेस से मालूम आ रहा है ना, इस खाल अल्लाह ने कहा, फरमाया, क्या कहा? नाम से उनको मुखातिब किया या ईसा मुतवफी का। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसके इसके माने पहले मालूम करें। ये वफा कुरान में है, वफा कुरान में है तीन मानों में इस्तेमाल हुआ और तीनों भी मुफस्सरीन ने लिए हैं तीन मानों में। देयर आर थ्री मीनिंग ऑफ दिस वर्ड एंड यूज्ड इन द थ्री मीनिंग्स, ऑल द थ्री मीनिंग्स आर यूज्ड फॉर वफा। पहले मायने उसके ये हैं कि टू गिव इन फुल, इन्हें पूरा पूरा देना, इन्हें कोई चीज की कमी नहीं करना। That means to give in full. एक मायने उसके हैं to give in full or to complete anything. दूसरे मायने हैं to make to sleep. To make to sleep. और तीसरे मायने हैं to make to die, to make to die. अब ये तीनों मानों से मुफस्सरीन ने इसकी तफसीर की है, तीनों मानों से इसकी तफसीर की है। अगर पहले माने लेंगे तो मैं तुमको सुला दूंगा, दूसरे माने लेंगे तो सॉरी टू गिव इन फुल, ये 57 में भी ये वर्ड आया है, वहाँ पर यही माने, यहाँ पर ये माने हैं 57 में। टू गिव इन फुल, ये फुल क्या है? पूरी हयात दूंगा, जितनी हयात उनकी उनकी अल्लाह ने मुकर्रर की थी वो हयात पूरी करेंगे। दूसरे माने अगर लेंगे तो पहले तुमको नींद बेदारी की हालत में आसमान पे उठाया जाना वो नामुमकिन था। आई विल मेक यू स्लीप, ये भी माने मुफस्सरीन ने लिए हैं और ऐसे भी तफसीर किए हैं। तीसरे मायने आई विल मेक यू डाई, और तुमको मौत का मजा बहरहाल चखना है, बहरहाल चखना है। तो ये तीनों मानों में इस टुकड़े को मुफस्सरीन ने लिया है। अब हम उसके बाद का जो टुकड़ा है वो भी अब करेंगे और उसके बाद देखेंगे ये तीनों माने हैं वफा के कैसे फिट होते हैं। उसके बाद का टुकड़ा करो, यहाँ तक करो, उसके बाद फिर हम मजीद पलट के आएंगे इन्नी मुतवफी का। और वाक्य है यहाँ पे वाक्य है कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन कहते हैं, है ना? कनेक्शन फिर जो होता है वो थोड़ा अलग होता है, लेकिन अरबी जबान में उसका एक टर्म है, वो है अत्व, है ना? ये काम और ये काम भी करेंगे। राफियों का ये क्या है, इसका रूट वर्ड क्या है? उठा उसमें है जिक्र बुलंद करना, सूरह वद्दुआ में
और यहाँ पर राफी उखाड़ तुमको उठा लूंगा, है ना, और तुमको का जो है इसकी जमीर के दर्द आ रही है, ये जमीर है प्रॉब्लम है, रेफरिंग टू होम जिसको इस राफी के दर उठा लूंगा इलैया मेरी तरफ, ये क्या है और मजरूर है मुतालक है राफियू का अल्लाह सुबहानहु तआला उठा लेंगे। अब हम इसकी तुमको बहुत ज्यादा इससे पहले भी जब भी ये सूरह कर रहे थे तुम्हारे डाउट बहुत थे, इसलिए मैं और मजीद तफसील से इसको समझा रहा हूँ। वो तफसील अब आप दोनों में क्या रब्त है, अगर रब्त से बात हो रही है तो दो काम करेंगे, या तो तुमको नींद में उठा लूंगा टू मेक यू स्लीप एंड देन आई विल रेज यू टुवर्ड्स मी, अगर पूरा तुमको तुम्हारी उम्र पूरी होगी लेकिन बाकी उम्र एक काफी अरसे के बाद एक पीरियड के बाद मोमिनीन का ये बिलीफ है और बेशुमार हदीस में यह बात आई है कि क़यामत से पहले फिर ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की पैरवी करेंगे और फिर उसके बाद उनका इंतकाल होगा, तो ये सिलसिला हुआ और ये रब्त भी हो गया उसके साथ अर्थ भी हो गया कि मैं उनको सुलह दूंगा और अपनी तरफ उठा लूंगा, एक मायने। दूसरे मायने मैं तुमको पूरी उम्र दूंगा लेकिन वो उम्र दो किस्तों में होगी, एक इस वक्त की उम्र और एक वो जब दोबारा दुनिया में भेजेंगे उस वक्त उम्र पूरी करके आप मौत का मजा चखेंगे, ही विल डाई। और तीसरे मायने अगर लेते हैं पहले ये कि अगर आई विल मेक यू डाई एंड रेज यू अप टूवर्ड्स मी, यहाँ पर तुमको हमेशा ये इख्तलाफ रहता था तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे ये बाद में मरने के बाद उठाएंगे, ये तो तमाम रूहें जाती है कोई खास बात नहीं, तो अब इसको हम कैसे समझेंगे मुतवफ़ीका के बाद राफियों का, हाउ कैन वी एक्सप्लेन। एक आयत हम पढ़े थे इसी सूरत में मरियम को अल्लाह सुब्हानहु तआला ने फरमाया था या मरियम वस्जुदी वरकई मअर्राकी, वह मैं बहुत तफसील से बताया था कि जो तरतीब होती है नमाज की उसमें पहले सजदा बाद में रुकू नहीं होता, तो वहाँ क्या मैंने लिए थे वस्जुदी वरकई मअर्राकी, क्या मैंने लिए थे बोलो जल्दी, क्या लिए थे याद है, कुरान का मिसाल है और वो तरीका भी है अरबी का, हाँ पहले का बाद में बात का पहले, अव्वल जिक्र बाद जिक्र होता है, बाद जिक्र अव्वल जिक्र होता है, ऐसी बेशुमार मिसालें कुरान में मौजूद हैं। सूरह मोमिनून में भी एक आयत ऐसी आई थी जिसमें अव्वल जिक्र और बाद जिक्र था। अगर हम इसको मौत के मायने में लेते हैं तो ये बात उससे पहले मैं तुमको उठा लूंगा लेकिन फिर दुनिया में भेजेंगे और फिर उसके बाद अपनी नेचर, इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहु तआला का वादा है कुल नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, कोई नफ्स ऐसा नहीं है जिसको मौत का मजा नहीं चखना है। ये बात तीनों तरह से समझ में आई आपके सर जी, आगे तीन अंडरस्टैंड इज तीनों तरीके, हम ये भी कर सकते हैं कि नींद पहले नींद उन पे तारी करेंगे उसके बाद उठा लेंगे,
मुफस्सिरीन ने तीनों माने लिए हैं, या फिर ये के पूरी उम्र देंगे, ये नहीं के बीच में उठा लिए, वल्लाह सुभान व तआला नहीं करते। हर इंसान अपने सांसों की तदाद, अपनी आखिरी दाना खा के अपनी सांसें पूरी करके ही जाता है। उसका एक वक्त मुकर्रर है, उससे एक सेकंड जल्दी या देर से नहीं होने वाला है। दैट इज द टाइम रिटन फॉर एवरी बॉडी एंड सोल। तीसरे मैंने के पहले उठा लूंगा, फिर बाद में दुनिया में भेजूंगा, और फिर और इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रांग यही है कि पहले उठा लेंगे फिर बाद में भेजेंगे, और बाद में नेचुरल जो उनकी डेथ है वो वाकई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अल्लाह सुबहानहू ताला ईसा अलैहिस्सलाम से डायरेक्ट कुछ वादे फरमा रहे हैं। उसको आप काउंट भी करेंगे, उनकी तादाद मालूम करेंगे कि अल्लाह सुबहानहू ताला फरिश्ते के जरिए डायरेक्ट ईसा अलैहिस्सलाम से कुछ वादे फरमाए। पहला वादा क्या है? मुतवफ़ी का। दूसरा वादा? और राफियों का। यस, यहाँ तक ये क्लियर हो गया आपको? इसमें आपको काफी डाउट रहता था है? कि ये पहले मौत देंगे फिर बाद में उठा लेंगे, और ये इनका बिलीफ नहीं था, आज भी नहीं है, बल्कि उनका बिलीफ यही है कि ईसा अलैहिस्सलाम को ही क्रूसीफाइड किया गया, उन्हीं को सलीब पे चढ़ाया गया, फिर उनकी तदफीन हुई, और तदफीन के तीसरे दिन वो उठकर दुनिया में फिर लोगों को नजर आए इधर उधर फिरते हुए। They have that belief even today. लेकिन अल्लाह सुबहानहु ताला का ये वादा है कि ये तीनों बातें भी मुफस्सिरीन ने जो बयान की हैं सारी अपनी जगह दुरुस्त हैं, और इनमें से कोई बात भी हो सकती है। डेफिनेटली हम नहीं कह सकते कि अल्लाह सुबहानहु ताला ये तवातुर होगा अगर सुला लूंगा और उठा लूंगा, और ये के पहले पूरी उम्र को पहुंच के मरोगे लेकिन उससे पहले उठा लूंगा, और तीसरी बात ये कि आई विल तुम अपनी नेचुरल मौत जरूर अपनी उम्र पूरी करके मरेंगे, उससे पहले मैं तुमको ऊपर उठा लूंगा। ठीक है, उसके बाद ये पूरा एक बड़ा दिलचस्प बात। क्या बोले, बोलो जी। हमने बाइबल में जैसे बोले कि पूरा बात का की तरह जैसे मेंशनड है, जो एक छत में सुराख हो गया और उसमें से ईसा अलैहि सलाम को उठा लिया, मगर उन लोग उसको पूरा लाके बात का एक हिस्सा कर लेते, मतलब सलीब के बाद का तो, मगर वो डिस्क्रिप्शन भी है उसके अंदर के कैसा उठाए थे। वो बरीड किसको के? He was buried, लिया के बरीड उनको दफनाए भी थे, और फिर दफनाने के तीन दिन के बाद वो उठ के खबर में शब में। चलिए, बहरहाल वो अब यहाँ पर एक चीज और, वो भी आप ही को मुझे बताना है। बुनियादी तौर पे क्रिश्चियंस के ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक क्या बिलीव हैं, कितने किस्म के बिलीव हैं बुनियादी बिलीव? वैसे फिरके तो 72 हैं, बस किसी उनके हवारियों के भी पुजारी हैं, और उनके अंदर बात तो प्रोटेस्टेंट भी हैं, कैथोलिक्स भी हैं, उनके भी फिर फिरके हैं, लेकिन व्हाट आर द बेसिक बिलीव्स ऑफ द क्रिश्चियंस अबाउट ईसा अलैहिस्सलाम, कितने बिलीव हैं?
जल्दी, मुझे बहुत सी बातें शायद के तालुक से बतानी है, और कितने हैं, कितने बिलीव हैं, बता कि आप थोड़ा बहुत बाइबल पढ़े, मैं तो नहीं पढ़ा, कितने बिलीव हैं। एक जो सो तीन में का एक, एक पहला क्या है, और वो बेटा, द ओनली पहला बेटा नहीं, है? क्या बोले नजीबा, तीन में का एक उलूहियत है ना, तो अल्लाह ताला के बेटे हैं, अल्लाह के उलूहियत है पहला उलूहियत के माने बेटे का अल्लाह की मान वन एट ए टाइम हो गया नजीबा को जो कहना था, एक एक बोला करो, एक एक बोला करो। यस, जीसस को एज गॉड ले, एज गॉड हिमसेल्फ। यस, कैसे, हाउ सर? वो ये कहते हैं कि जितने वो मौजज़े, जिस तरह के वो मिरेकल्स कर सकते थे, ओनली गॉड कैन डू दैट, मतलब मौत के बाद जिंदा होना और बाकी के भी उन मिरेकल्स पे वो बिलीव रखते हैं। तो वो कहते हैं दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट ओनली गॉड कैन हैव, सो दे थिंक दैट जीसस वाज गॉड हिमसेल्फ। नहीं बस म्यूट कर लीजिए, और कोई बीच में बोल रहा था तो वो बोल सकता है, जब मौका आता है तो नहीं बोलते, जब बोलना शुरू करते हैं बीच बीच में भी बोल देते हैं। एनीवन, पहला बिलीफ क्या है? और कॉमन बात है, मैं बाइबल तो नहीं पढ़ा, लेकिन उनके चार बेसिक बिलीफ्स, चार तबके हैं जिनके चार बेसिक बिलीफ्स हैं, वो क्या बिलीफ रखते हैं, एंड दैट आर द फोर टाइप्स ऑफ बिलीफ्स दैट क्रिश्चियंस हैव अबाउट जीसस और ईसा अलैहिस्सलाम। पहला, सजदा ने करीब आया, लेकिन उसको डिफाइन करने में नहीं कर सके। एनीवन हु वांट टू से समथिंग? पहला बिलीव है कि अल्लाह सुबहानहु तआला ने डिसाइड किया कि इंसानों की सफरिंग क्या होती है, इसीलिए ईसा के भेष में दुनिया में आए और आके तमाम सफरिंग्स को बर्दाश्त किया और फिर ऊपर चले गए। दैट ईसा इज गॉड हिमसेल्फ, इज गॉड हिमसेल्फ, ठीक है, ये पहला बेसिक उनका बिलीव या अकीदा ये लोग रखते हैं। दूसरा, सबको मालूम है कि उसको सन ऑफ गॉड कहते हैं, खुदा का बेटा, आज एक बड़ा तबका है। और तीसरा ग्रुप, वो ट्रिनिटी पे बिलीव रखता है, ट्रिनिटी पे बिलीव रखता है, गॉड सन ऑफ गॉड एंड मदर ऑफ द सन, वो बीबी मरियम को भी उसमें ट्रिनिटी में ला लेते हैं। और चौथा ग्रुप, ये तो अफसार को भी मालूम है, वो कौन है, वो सही रास्ते पे हैं, दे आर कॉल्ड नॉर्मन्स, दे बिलीव ईसा अलैहिस्सलाम एज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, उसमें जो उनके बाइबल के कई वर्जन्स हैं, उसमें से एक वर्जन बरनाबास का भी है, जिसमें यही उनके फॉलोअर्स जितने हैं वो सब यही बिलीव करते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम वाज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, उन्होंने भी वही कहा था जो दीगर अंबिया ने, रब्बी और रब्बुकुम अल्लाह, मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह है, यही मैसेज वो भी दिए थे, इसको मानने वाले हैं। वो एक वर्जन है बाइबल का जिसको मेजॉरिटी ऑफ क्रिश्चियंस दे डू नॉट बिलीव इन। ये एक बड़ी दिलचस्प बात सुनाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले ये चार बिलीव अच्छे तरह से जहन में बिठा लीजिए। नंबर एक, अल्लाह ने सोचा या जो भी किया कि लोगों के दुनिया में सफरिंग कैसे होते हैं वो देखे, और फिर जो है वो
इंसानी शेप में दुनिया में आए और फिर सारी तकलीफें बर्दाश्त करके फिर चले गए, अस्तग़फिरुल्लाह नौज़ुबिल्लाह। दूसरा सन ऑफ गॉड का है, तीसरा ट्रिनिटी का है, चौथा नॉर्मन्स का है, दे बिलीव दैट ही वाज़ द मैसेंजर, दैट इज द राइट बिलीव। आप में से बहुत से लोग डॉक्टर जाकिर हुसैन के शायद क्लिप्स देखते होंगे और वेल नोन, कोई मुझे तारुफ उनका कराने की जरूरत नहीं है। मैं भी अक्सर उनके क्लिप्स देखते रहता हूँ, कभी देखा था तो मुझे इस आयत के समझाने में याद आया। एक क्लिप उनका था, और उनका मालूम है आपको कि जब भी वो उनकी मीटिंग होती है गैर मुस्लिम ही सवालात करते हैं, और फिर उनकी किताबों से हिंदुइज्म की किताबें जो हैं उससे या फिर बाइबल जो क्रिश्चियन सवाल करते हैं उसके हवाले से उसके जवाब देते हैं। एक क्लिप शायद आपकी भी नजर से गुजरा होगा, एक क्रिश्चियन जो ये पहला बिलीव रखता था कि अल्लाह सुबहानहु तआला जमीन पे आए और ह्यूमन सफरिंग क्या होती है उसको महसूस किया, और उसके बाद फिर वो उनको लोग सूली पे चढ़ाए और फिर वो ऊपर चले गए डेडली। तो एक प्रीस्ट सवाल करता है, और ऐसा वो भी काफी आलिम था और नसरानियों का और किसी चर्च का प्रीस्ट भी था, वो जाकिर नायक को बड़े अच्छे तरीके से घेरे में लाया। आप कभी देखिए अगर मौका मिलता है तो, ये उसको वो क्लिप ढूंढना तो मुश्किल है लेकिन कभी आप सुनेंगे तो मिल भी जाएगा आपको। उसने डॉक्टर नायक से कुछ सवालात करना शुरू किए, जिसमें से उसके पहला सवाल था कि गॉड इज वन, और उसने कहा कि खुदा एक है, ये आप भी मानते हैं, आपकी किताब में भी है, हम भी मानते हैं खुदा एक है, गॉड इज वन। दूसरी बात उसने जाकिर नायक से कहा कि गॉड इज ऑल पावरफुल, गॉड इज ऑल पावरफुल, सब कुछ कर सकता है, बहुत अल्लाह सुबहानहु तआला कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं कर सकते, कोई काम है ऐसा जो अल्लाह सुबहानहु तआला नहीं कर सकते, उनके पास तो सिर्फ कुन है, उससे यकुन हो जाता है। कोई है बोलिए। नो सर। नो, हर काम कर सकते हैं, यही उनको एक घेरे में ला रहा है, लेकिन वो भी डॉक्टर जाकिर नायक है। कोई ही हैज ऑल द पावर्स, है ना, पूरी पावर और कुदरत अल्लाह के हाथ में है, कोई भी काम कर सकते हैं। और डॉक्टर जाकिर नायक जो उसको मुस्बित नजर लाते हैं, बिल्कुल ये हमारा भी बिलीव है, वो कहता है कि ये हमारा भी बिलीव है। ठीक है, ये सब बातें कहने के बाद वो डॉक्टर जाकिर नायक से सवाल करता है कि जब अल्लाह सब कर सकता है तो कैन नॉट ही कम टू द अर्थ एंड वॉक ऑन द ग्राउंड लाइक ए ह्यूमन बीइंग। उसका बिलीव है कि अल्लाह को लोगों की सफरिंग कैसी होती है वो देखने का ख्याल है, तो फिर वो जमीन पे आए और फिर लोग उनको कैसे उनके साथ सलूक किए और फिर ऊपर चले गए। बड़ा आई थिंक आपको भी दिलचस्पी आ रही होगी ये सवाल सुन के, कि जब उसने पहले तो कन्विंस किया कि अल्लाह सुबहानहु तआला हर काम कर सकते हैं, और उन्होंने मुस्बित में अपना सर भी हिलाया, बिल्कुल अल्लाह वहां चली गई है फिर जी सर, डिस्कनेक्ट हो गई। यस
आजकल डॉक्टर जाकिर नायक एवरी सैटरडे को आई थिंक अराउंड 11 सुबह में जवाब देते हैं लाइव क्वेश्चंस के, उनका 1.5-2 घंटे का प्रोग्राम होता है फेसबुक पे, डॉक्टर जाकिर नायक, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, किसी को अगर सुनना है तो सैटरडे, आई थिंक हर सैटरडे या एवरी अदर सैटरडे आते हैं, अभी इस सैटरडे थे तो अब आई डोंट नो अगर वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट आएंगे फिर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आपको हमारी आ रही है? अब आगे मेरे को आपकी आवाज आ रही है, अब मेरी आवाज आ रही है? यस सर आ गई है? जी आ रही है। चलिए, वो जो भी है वो वहाँ पर उनको वो सहूलत नहीं है जितना इंडिया में वो मीटिंग करते थे, वहाँ तो सारे गैर मुस्लिम का सवाल ही नहीं है, सब मुस्लिम ही है, वो मैंने देखा सैटरडे के किस भी आते होंगे, लेकिन जब तक वो इंडिया में मुख्तलिफ जगह मीटिंग करते थे उस वक्त का वो क्लिप है। पर ये सवाल आप समझ गए उसका कि उसने पहले तो उनसे यही कबूल हुआ कि अल्लाह सुबहान तआला हर काम कर सकता है, उसकी कुदरत जितनी है कि कोई ऐसा काम नहीं है, तो फिर उसने कहा उसके बिलीफ के मुताबिक वाई कैन नॉट अल्लाह सुबहान तआला कम ऑन द अर्थ इन द शेप ऑफ ए ह्यूमन बीइंग एंड वॉक ऑन द अर्थ। क्या जवाब होना चाहिए? किसी ने देखा है ये क्लिप? नहीं सर। कैसा कहना है का? किसी ने नहीं, मैंने तो नहीं देखा। जॉब कस क्या होना चाहिए जॉब उसका? अब सर क्या जॉब होना चाहिए? अल्लाह सुबहान अल्लाह अपने मेयार से काम करें। ये भी उसका बड़ी इंटेलिजेंट अप्रोच थी उस शख्स की कि पहले उनसे उनको कन्विंस किया कि अल्लाह हर काम कर सकता है, खिनन कर सकता है, तो फिर उसका सवाल है कि अल्लाह सब कर सकते हैं तो क्या जमीन पे नहीं आ सकते, जैसा उसका बिलीफ था। उन्होंने उसका जो जवाब दिया बड़ा अच्छा जवाब, तो डॉक्टर जाकिर नायक हैं तो वही दे सकते थे उस वक्त ऐसा जवाब। उन्होंने उससे कहा कि जमीन पे वो आएगा जो ऑल हियर और ना हो, जो कुछ जो हर एक चीज को सुनता हो, देखता हो, हर चीज को का इल्म रखता हो, उसको जमीन पे आने की जरूरत नहीं है। पहली बात कि अल्लाह सुबहान तआला हर चीज से वाकिफ है, उनके इल्म में सारी चीजें हैं, तो जमीन पे आके ह्यूमन सफरिंग को देखना कोई सवाल नहीं। दूसरी बात यह कि उसके सवाल पे उन्होंने बेशुमार सवाल खुद कर लिए कि जब अल्लाह खुद कर सकता है तो क्या अल्लाह झूठ बोल सकता है, अल्लाह नाइंसाफी कर सकता है, या अल्लाह जो है अदल में गलती कर सकते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह, 500 सवाल उठाए। सब कर सकता है कि मैंने ये कि अल्लाह वही करते हैं जो उनकी शान के मुताबिक है और जो सही है, हर गलत काम भी कर सकते हैं, ये उसका मतलब नहीं है, बल्कि अल्लाह सुबहान व तआला वही काम करते हैं जो उनको सूट करता है, उनके शान के मुताबिक है, और हर चीज़ अल्लाह की वही है जो बंदों से भी देखना चाहते हैं कि जो डीड्स हैं, बैड डीड्स एंड गुड डीड्स, उसकी नीयत क्या है और वो किस लिए वो काम कर रहा है। तो अल्लाह सुबहान व तआला हर काम कर सकते हैं कि मानिए कि कोई गलत काम नहीं करते,
और उनको कहीं जमीन पे वेश बदल के आने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो तमाम सब कुछ सुनने वाले समी अल बसीर हैं और अल अलीम हैं। इनके पास इल्म भी है और ऐसे बसीर हैं कि सिया रात में सिया पहाड़ पे चलती हुई सिया चूंटी को भी देख सकते हैं और हर इंसान की शहरक से भी करीब है, उसके सफरिंग्स भी मालूम है, उसमें मुब्तला करने वाले आजमाइश में डालने वाले भी वही हैं, उसको निकालने वाले भी वही हैं। तो पहले सवाल पे तो उन्होंने मुस्बित में अपना सर हिलाया था, फिर उसके बाद जब वो उनको गुमराह करने की कोशिश की, सब कर सकता है तो ये भी कर सकता है, तो उसको बड़ा अच्छा जवाब दिया कि कोई बुरा काम अल्लाह से निस्बत नहीं कर सकते कि अल्लाह सुबहान व तआला ये बुरा काम भी कर सकते हैं, या कोई ऐसा काम जिसके लिए उनको भेष बदलने की जरूरत पड़े, वो तो इज ऑल पावरफुल, ऑल नोयर, ऑल सीयर, ऑल हियरर, सब चीज को सुनने और देखने वाले हैं। डिड यू फॉलो इट? इस बात समझ में आई आपके? बहरहाल यहाँ पर सारी बातों में के ये इनके बिलीव, उनके कैटेगरीज और फिर उसके बाद ये अल्लाह सुबहान व तआला के वादे उनको उठाने से पहले, जब वो उनको गिरफ्तार करने और सजा देने के लिए है, तो फिर अल्लाह सुबहान व तआला ने पिछली आयत में वो मकर हुआ मकर अल्लाह, उन्होंने एक मकर किया था, एक आदमी को मकबर बना के हवारियों में शामिल कर दिया था और फिर वो मकबरी करता था, उनके उनको कहाँ है वो सब बता देता था, तो फिर अल्लाह सुबहान व तआला ने उसी को ईसा अलैहिस्सलाम का हमशक्ल बना दिया और ईसा अलैहिस्सलाम से फरिश्ते के जरिए, हालांकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम तो हमेशा उनके साथ हुआ करते थे, वाहिद अल्लाह के रसूल हैं जिनको जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हर वक्त आई दुआ करते थे। Was that reference useful to you, Zakir Naik? Yes, sir. कोई भी नहीं बोलता। No response? Yes, sir. Yes, sir. Yes. चलिए। Okay. चलिए। दो वादे हो गए। यहाँ से फिर तीसरा कौन लेगा? Who wants to volunteer? आगे बढ़ाना है आयत को जल्दी। Who wants to do it? Sir, अस्सलाम वालेकुम। मैं कर लेती हूँ। وَمُتَحِرَّا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا, अब यही मकौला चल रहा है अल्लाह ताला का, और ये तीसरा वादा जो है ये अत्फ हो गया पिछली दो बातों के ऊपर, और इसमें मुतहिरु का जो इसमें तहरा से है और इसमें हा की इजाफत है, ये भी इसमें फाइल है, इसमें महजूब है कि मैं पाक करूँ तुमको। तो सर इसको हम ग्रामेटिकली फिर हम इसको इसम कहेंगे या बस इसमें फाइल हो गया तो महजूब फेल है, सर यही करेक्ट है फिर? बस खत्म। ये मज़ाफ मज़ाफ फेल भी है, ठीक है, तो इसम है इसमें, तो फिर ये जो है मुक्तदा भी हो सकता है जी, इसको मुक्तदा भी आप खार दे सकते हैं, इसलिए कि इसमें मज़ाफ मज़ाफ फेल है, उसकी खबर है पाक करूंगा किससे? मिनल लजीना कफर, ठीक है सर, पाक करने वाला हूँ तुमको। मिनल लजीना, मिन हर्फ जार है, लजीना मजूर है, मुबनी है इसलिए जबर है उसके ऊपर, मिनल लजीना कफर, उन्होंने कुफर किया, इसमें मौसूल अलजीना उसका सिला है काफर, काफरू में फिर फेल फाइल है। वेरी गुड, ये तीज जिससे भी उनसे, अब यहाँ पर इसके मायने भी कितने गहरे निकलते हैं कि किसी नबी या रसूल से अल्लाह सुबहान व तआला ये सवाल नहीं करेंगे कि इतने लोग तुम पे ईमान क्यों नहीं लाए, अल्लाह पे ईमान क्यों नहीं लाए, रसालत पे ईमान क्यों नहीं लाए,
बल्कि अंबिया का काम तो सिर्फ बात को पहुंचा देना है और तौफीक देना, हिदायत देना, वो सिर्फ अल्लाह के पास है। अल्लाह जैसी नियत होती है, जैसी वो ख्वाहिश करता है, उस तरफ उसके लिए रास्ते खोल देते हैं। तो ये मुतहरुका मिनल्लज़ीना कफरू, ये उससे तुमको पाक करेगा। अगर वो कुफ्र करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी ईसा अलैहिस्सलाम पे नहीं है, बल्कि सूरह मायदा के आखिरी रुकू में आप तफसील से पढ़ेंगे कि अल्लाह सुबहानहु तआला पढ़ के, अच्छा बहुत से लोग पढ़ के आए हैं आफ्टरनून क्लास के, ये क्लास वाले मायदा पे जब पहुँचेंगे अपने तिलावत में पढ़ते रहते होंगे कि अल्लाह सुबहानहु तआला उनसे सवाल करेंगे, है ना, कि हमने अपनी खुद को और अपनी वल्दा को इलाहैन करार दिया था, उसका जवाब देते हैं। तो उसमें उनके ऊपर अगर कुफ्र करता है तो उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है, कोई उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है उनके ईमान लाने की, सिर्फ बात को सही सही पहुंचा देना, यही उनका अंबिया का काम था। और इसके मायने ये हैं कि वो जो कुफ्र करते हैं, यू आर नॉट रेस्पॉन्सिबल, आई विल मेक यू फ्री फ्रॉम दोज हु डिनाय, जो कुफर करते हैं या फिर अल्लाह की बात पे ईमान नहीं लाते, उससे तुम पाक हो, बरी हो, उसका तुम पे कोई उसकी कोई पकड़ किसी नबी से नहीं होगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं होगी। ठीक है, दिस वाज द थर्ड प्रॉमिस। ओके, और कर लो फातिमा, उसके बाद फिर कोई वॉलंटियर करता है जल्दी। वजाइलुल लजीना तबाउका फौकल लजीना कफरू इला यौमिल कियामती, पूरा ही ले लेंगे। फिर ये अत्फ है, चौथा वादा है मकौला, पूरा ले लेंगे, बहुत अच्छा। जाइलु है, चौथा वादा, जाक अलिफ की इसमें इजाफत है। तो सर ये अब मैं कंफ्यूज हूँ कि ये इस्म है कि फेल है, अगर मैं बनाने वाला हूँ जाइलु, मैं बनाऊंगा ये भी इस्म। हर इसमें फाइल में एक फेल भी छुपा हुआ होता है, लेकिन वो फेल में टेंस नहीं होता, मैं बनाने वाला हूँ, मैं मौत देने वाला हूँ, मैं उठाने वाला हूँ, मैं पाक करने वाला हूँ, हर इसमें फाइल में एक फेल होता है, मैं खाने वाला हूँ, मैं खेलने वाला हूँ, मैं पढ़ने वाला हूँ, मैं पढ़ाने वाला हूँ, ये सारी बातों में भी एक फेल होता है जो उस इसमें फाइल से सरजद होता है, इसीलिए उसको इसमें फाइल कहते हैं, है ना, कि ये बिल्कुल फेल है। जाइलु बनाऊंगा, उस फेल से मुताल्लिक बाकी का थोड़ा किसको बनाऊंगा, अल्लज़ीना वो जो, यानी कि ये इसका मफूल भी हो गया, जिसका सिला तबाउ का है, जो पैरवी कर आपकी, ताबा इसका जो है मेन फेल है इसमें इजाफा, और जो पैरवी करते हैं आपकी, यानी के फेल फाइल और मफूल, काफ जो है जबर वो जा रहा है हजरत ईसा की तरफ। किस क्या क्या बनाऊंगा उनको, फौका यानी के ऊपर या आला, बेहतर गालिब कर उनका मुकाम, उसे मोमिनीन का भी वही मुकाम है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाए, फिर नेक अमल भी किया, आपके सुन्नत की इत्तबा भी करते रहे, सो दे विल बी फौकल लज़ीना कफर, वो अच्छे मुकाम पे, आला मुकाम पे होंगे, कंपेयर टू दोस हु डिनाइड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पर लेकिन मूसा ईसा अलैहिस्सलाम से वादा किया जा रहा है, वही वादा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों से अल्लाह ने किया है, कि उनको जन्नत में जो आला मुकामात मिलेंगे, ओनली बिकॉज ऑफ बिलीविंग इन अल्लाह एंड सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनकी इत्तबा की वजह से वो मुकाम मिलेंगे। और दिस इज द वो फौका, कौन सा वादा है, ये वादा नंबर
जी वादा नंबर ये 4 है सर, जाइलुल्लज़ीना तबाहु कफाउ का 4th है, और औ का ज़र्फ़ है, ज़र्फ़ मका हो गया वही 4 है, 4th बिल्कुल मका, इस पे फौका करेंगे इसके ऊपर उनको फौके जी सर, अल्लज़ीना काफ़रू पे जिन्होंने कुफर किया उन पे फौकियत देंगे उनको, अल्लज़ीना इस्म मौसूल उसका सिला है काफ़रू, काफ़रू में फिर फेर और फाइल है कि वो कुफर किए वो सब, इला योमिल कियामती, इला योमी हर्फ़े जार, योमी मजरूर हो गया, मुतल्लिके काफ़रू और योमिल कियामती मिदाफ मुदाफल है उनको फौकियत रहेगी, ठीक है। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत हुई तो फिर जो भी उस वक्त बाकी रहेंगे उनके लिए ईसा अलैहि सलाम की शरीयत खत्म हो जाएगी, उन पर ईमान लाने के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी ईमान लाना होगा। तो उसी सूरत में उसके जब तक आपकी बासत नहीं हुई थी उस वक्त तक उनके लिए ये वादा है कि जो भी ईसा अलैहि सलाम पे उनके उनकी हयात में या आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से पहले उस उनकी शरीयत पे और अल्लाह पे उनको अल्लाह का नबी मानने वाले थे उनको अल्लाह सुबहान व तआला कयामत तक काफिरों के ऊपर फौकियत देंगे। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत होगी तो जो भी दुनिया में मजहब वाले हैं चाहे वो यहूदी हों हिंदू हों काफिर हों पारसी हों सिख हों ईसाई हों बुद्धिस्ट हों और जो जो भी मजहब वाले हैं उनके लिए अब ये ज़रूरी हो गया कि उनको फौकियत क़यामत में उसी वक्त मिलेगी जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाएंगे, मोमिन जब हो जाएंगे। लेकिन आपकी बासत से पहले ईसा अलैहि सलाम पे ये उस वक्त के यहूदियों के लिए भी जिक्र का भी हवाला है कि वो आप पे ईमान नहीं ला रहे थे तो वो उस तरह से एक काफिर लफ्जी मानों में होता है, एक काफिर जो है किसी चीज का इनकार करने के मानों में होता है, वो बिल्कुल लफ्जी काफिर तो नहीं थे कि बिल्कुल इनकार करने वाले या अल्लाह के वजूद का इनकार करने वाले, बल्कि वो अपने नबी पे आके उनकी सुई अटक गई थी उसके आगे, बस मूसा अलैहिस्सलाम तक वो आके रुक गए थे और आज तक भी यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम का भी इंतजार कर रहे हैं और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इंतजार कर रहे हैं बिकॉज दे थिंक दैट दे विल बी अमंग द बनी इसराइल। ये चौथा आखिरी टुकड़ा कौन करेगा फातिमा ने बहुत अच्छा किया, यू डिड अ गुड जॉब, चलिए देन हु वांट्स टू डू इट वॉलंटियर, मैं नाम लेके सबको मजबूर करना नहीं चाहता। अस्सलाम वालेकुम, बड़े सुस्त है, पहले कौन करे सलाम, सदफ हुसैन करे या साजदा करे, सदफ करे, चलिए सदफ करिए जल्दी से उसके पास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सदफ कर, सदफ कर, नहीं पहले यहाँ तक कर देंगे मर्जियोकुम तक, नहीं अभी इतने इतने यहाँ तक, चलिए जी, ये कौन सा वादा है, पहले 4 हो गए अब इसके बाद ये उससे कनेक्टेड है सबके लिए 5वां हो जाएगा ये। सुम्मा फिर ये जो होगा सर इसे कनेक्शन के लिए सिर्फ लेंगे क्योंकि वो तो बातें इसके बाद आ रहा है कि ये सब करने के बाद बताया जा रहा है और अब भी ले सकते हैं लेकिन यहाँ पे हम इसे कनेक्शन के लिए लेंगे और फिर आएगा नेक्स्ट ये लिया जार मजरूर मर्जियुकुम, अगर हम इसे ऐसे लें सर मर्जियुकुम तो हम इसे लेंगे मुदाफ मुदाफल है तो यह हम इसे मुब्तदा लेके और फिर इसे खबर लेंगे मेरी तरफ, बिल्कुल मुब्तदा मौखर, इसको बोलेंगे मुब्तदा मौखर,
इलैया खबर मुकद्दम, बहुत अच्छा, बहुत आज अच्छे मूड में है, परसों थोड़ा कुछ हो गया था। मर्जे हुक्म तुमको मेरी तरफ से लौटना है, इलैया उसकी खबर है। मुब्तदा को बाद में आता, मुब्तदा आमतौर पे शुरू होता है, लेकिन कई ऐसे केसेस भी होते हैं कि उसमें मुब्तदा मौखर, खबर जो है मुकद्दम। ये बहुत अच्छा किया आपने काम, चलिए आगे। फाअहकुम बैनकुम, और यह होगा इसमें फाअहकुम, फा जो है कनेक्शन हो जाएगा, और अहकुम जो है इसमें किस किस्म का कनेक्शन है सर? अत्फ ही होगा क्योंकि ये इससे रिलेटेड है। फा किस किस्म का है? है तो किस किस्म का है? क्या बात है? नतीजे के लिए है सर ये, इसके बाद जब नतीजा कहते हैं, जब सबको लौटना है तो मैं ये काम भी करूँगा, ये काम भी करूँगा। अल्लाह सुभान व तआला वाला फरमा रहा है, क्या काम करेंगे? अहकुम, ये इसमें होगा कि मैं हकामा, यानी कि मैं अना इसके अंदर छुपा हुआ है, तो होगा मैं हुक्म दूंगा, फैसला करना। हुक्म देने के सही तर्जुमा नहीं होगा, मैं फैसला करूंगा। उस वक्त जो है अल्लाह सुबहान व तआला, कौन क्या अमल कर रहा है किसी को नहीं मालूम, लेकिन जो लौटेंगे क़यामत के दिन, तो उस वक्त अल्लाह सुबहान व तआला वादा फरमा रहे हैं बैनकुम। बैनकुम माने, अब यहाँ पर जो कुम आ गया, तो पूरे जो उनके फॉलोअर्स थे नबी और उनके फॉलोअर्स के बीच में, वो पूरा मैसेज पहुंचाए थे नहीं पहुंचाए थे, वो ईमान लाए क्यों नहीं लाए, ये तमाम। अब इसमें वो लोग भी, इससे पहले जितने भी आए थे, का है मुतवफी का, राफियों का, मुतहर्रिक का, ये सब का आए थे वो ईसा अलैहिस्सलाम से। अब उसके बाद उनके ऊपर जो ईमान लाए उनके लिए जमा का सगा कुम आ रहा है, है ना। और फिर तुम सबको मेरी तरफ लौटना है, फिर कुम आ रहा है वो जो ईसा अलैहिस्सलाम पे है, ईमान लाए। बैनकुम ये क्या है? बैनकुम, बैना जो है ज़र्फ़े मकां है, और बैनकुम मिला के मुदाफले हो जाएगा, और ये हो जाएगा मुतल्ले के अहकमा से, अहकम से। हाँ, मैं फैसला करूंगा तुम्हारे दरमियान कौन इसको क्या रिवार्ड मिलना चाहिए, क्या पनिशमेंट मिलना चाहिए। फा जो है हरफे जर है, और माँ इसके साथ मिला के ये जार मजरूर मुत्तल्ले के अहकमा ही होगा, और माँ इसमें मौसूल भी है, और इसका सिला है पूरा कुन तुम फी ही तख्तालिफून, पूरा हो जाएगा। कुन तुम से करेंगे, कुन तुम में काना का जुमला है, और इसके अंदर ही इसका इसम है तुम, कुन तुम हो जाएगा, और इसकी खबर हम फिर करेंगे तो वो है फी तख तालिफून, या खाली जी फी है तख तालिफून, इसकी खबर हो जाएगी। फी ही जार मजरूर है, इख्तलाफ करना। इख्तलाफ क्या था इनका, इख्तलाफ क्या था, आज भी है बाकी। जो अल्लाह ने नबी को भेजा, लेकिन उन्होंने उसको या तो अल्लाह मान लिया, या फिर अल्लाह का बेटा मान लिया, या ट्रिनिटी में से एक मान लिया, है ना। तो ये जो भी इख्तलाफात हैं, इसका फैसला मैं तुम्हारे दरमियान, फाहकुम बैनकुम फीमा कुंतुम फीही तख्तलिफून, है ना। ये काना का बहुत अच्छा आपने इसके एनालिसिस की, काना का जुमला है, तुम उसका इस्म है, उसकी खबर है, फीही तख्तलिफून, तख्तलिफून जार मजरूर है, फीही जार मजरूर है, तख्तलिफून ये पूरा फेल फाइल मुजारे है कि जिस चीज़ में तुम इख्तलाफ करते हो
सही बात को मानने तैयार नहीं हो, आई विल क्विक रिवीजन पूरी आयत का, साहबजादा ने जल्दी से करेंगे, एक बार फिर रिवीजन भी हो जाएगा और देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट आयत। अब बड़ी अहम आयत है जिसमें उनको उठाने से पहले अल्लाह सुबहान व तआला ने उनसे ये छह वादे फरमाए, ये पांचवा था। और फाहकुम बैनकुम फीमा कुंतुम बिही तख्तलिफून, ये छठा वादा है। छह वादे अल्लाह सुबहान व तआला ने उनसे उनसे किए थे ईसा अलैहि सलाम से डायरेक्ट। यस सर, दानिश क्विक रिवीजन। जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकाल अल्लाहु या इसकाल अल्लाहु, यहाँ तक सर हम लेंगे, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। इस जो है मफूल फी ही है, काला जो है ये फेल और फाइल है, अल्लाहु काला में जो फेल फाइल है उसको रिप्लेस कर रहा है। जब फरमाया अल्लाह ने, ये रिपोर्टिंग स्पीच हो गया। या ईसा से मकौला शुरू हो रहा है, या ईसा हरफ निदा और मुनादा है। इन्नी मुतवफ़ी का, इन्नी से इन्ना का जुमला है और या जो है वो इन्ना का इसम है। मुतवफ़ी का, मैं मौत देने वाला हूँ तुम्हें, यानी आपको। और मुतवफ़ी का जो है मुतवफ़ी का में इसका पूरा पूरा देना है, मतलब सिला। या इसका ये भी मतलब है कि मैं आपको आपकी एज जितनी भी अल्लाह ने लिखी है उसको जो है वो पूरा करने दूंगा। वह काफियों का, और फिर उठाने वाला। और सर दूसरा आता है कि मेक यू स्लीप, दूसरा है कि आई विल मेक यू स्लीप व रॉक यू का, और फिर उठाने वाला हूँ आपको, यानी कि आपको मतलब टेम्परेरीली सुला दूंगा और फिर उसके बाद आपको उठा लिया जाएगा जमीन से आसमान की तरफ। और तीसरा ये है कि मैं आपको मौत दूंगा, मैं आपको, या ये उसमें जो है ये बादु जिक्र जो है वो अव्वलु जिक्र होता है समटाइम, और अव्वलु जिक्र जो है वो बादु जिक्र होता है। तो तीसरा मतलब इसका ये है कि मैं आपको पहले उठा लूंगा और फिर उसके बाद दोबारा जो है वो जमीन पर भेजे जाएंगे और वहां पर अपनी पूरी जो है वो अपनी उम्र पूरी करेंगे जितनी अल्लाह ने उनको दी है, और उसके बाद उनको मौत दी जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड। ये दूसरा वादा था, तीसरा भी करिए। जी सर, सर ये फिर वराफियू का, वो इसी के साथ फिर कनेक्टेड हो गया, और उठाने वाला हूँ आपको, और फिर इलैया मेरी तरफ, व मुतहिरु का, और पाक करने वाला हूँ आपको, मिनल लजीना जार मुतहिरु का से के यहाँ से मुतहिरु का ये तीसरा वादा जो है वो हो रहा है। व मुतहिरु का मिनल लजीना कफरु, और मैं पाक करने वाला हूँ तुम्हें उन लोगों से जिन्होंने कुफर किया। और ये यहाँ पे अगर हम इसको इसका मतलब समझ में नहीं आया, इसका मतलब मेरी समझ में नहीं आया, तो थोड़ा मुझे समझ। जी सर, सर यानी कि मैं आपको जो कुफर किए, इसका मतलब है कि मैं आपको उन लोगों जिन्होंने कुफर किया है, जिन्होंने आपके नबुवत पे जो है वो यकीन नहीं किया, तो मैं आपको उनसे पाक कर दूंगा। यानी कि उनका अब जो है वो डाउनफॉल का इशारा है कि उनका डाउनफॉल जो है वो होगा। कोई उर्दू में कोई अच्छा सा लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं मुतहिरु का, या निजात के क्या माने हैं, निजात के लिए आ सकता है, निजात कह सकते हैं हम, किसके लिए निजात दूंगा तुम्हें, और कोई अच्छा लफ्ज, बरी का, नहीं निजात उतना सही हुआ। यस, बारी कौन बोलाई, डॉक्टर काजी। ओ वेरी गुड, आपकी उर्दू इतनी अच्छी, मुझे नहीं मालूम था। बरी उज़्ज़िम्मा, आपके ऊपर किसी काफिर को ईमान
پہ لانے کی ذمہ داری نہیں ہے, بلکہ جو لوگ کفر کیے ان سے آپ کو بری الذمہ قرار دوں گا, اور اس کا جو ہے آپ پہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی اپنے رسالت کے. بری الذمہ از دا بیسٹ ورڈ فار اٹ فار ٹرانسلیشن. متحرر کا یہ پاک کرنا اتنا سوٹ نہیں ہو رہا, پاک کرنا نہیں. اوکے آگے جلدی کمپلیٹ کریے. لیکن بہت تفصیل سے ہوئی اور بنانے والا ہوں یہاں سے اسمیہ جملہ شروع ہو جائے گا, اور یہ جائلن جو ہے یہ مبتدا بنے گا, اور الذین تبعوک فوق الذین کفروا یہ پوری کی پوری اس کی ہم خبر بنا سکتے ہیں, رائٹ سر؟ تو ہم اور اگر ہم اس کو کریں گے خبر کو کھولیں گے اس کا اپوزٹ ہے, وہ لوگ جو کفر کیے ہیں ان سے آپ کو بری الذمہ قرار دوں گا, اور آپ کے جو ایمان لائے ان کا اس کا شروع کا اپوزٹ ہے, اتبعو کا جو ہے اس کا اپوزٹ ہے, اور جو ایمان لائے آپ کی اتباع کیے ان کے لیے کیا انعام ہے اس کا بھی وعدہ فرمایا, ان کو فوقیت عطا کریں گے جنہوں نے کہیں گے الی قیامت کس کے مقابلے, ان لوگوں کے اگینسٹ جنہوں نے کفر کیا قیامت کے دن تک. ویری گڈ, ثم چلیے اس کے بعد پانچواں جلدی, ثم الیہ مرجعکم, اور پھر حرف نتیجہ ہے یہاں پہ, حرف عطف بھی ہے, سببیہ ہے, ثم الیہ جو ہے یہ خبر ہے, مرجعکم جو ہے مبتدا مؤخر ہے, لوٹ تمہارے سما نتیجے کے لیے نہیں بلکہ کچھ عرصے کے بعد, سما جب بھی آتا ہے کچھ عرصے بعد, جب وہ مریں گے لوٹ کے جائیں گے اس وقت کیا ہوگا, فاحکم بینکم, میں تمہارے درمیان میں فیصلہ کروں گا کس معاملے میں, بینکم تمہارے درمیان, جی سر, فیما کنتم فیہ تختلف, اس چیز میں جس میں کہ تم اختلاف کرتے تھے, یعنی جو ان کی جو ایز پروفیٹ اور جو بھی ان کے جی سر, سر یہ جو ہے جی سر, اس کنتم جو ہے یہاں سے کانا کا جملہ شروع ہو رہا ہے, تم جو ہے وہ اس کا اسم ہے, اور تختلفون کانا کی خبر ہے, فی ہی جو ہے یہ جار مجرور ہے متعلق محذوب فعل ان کانا. ویری گڈ, چلیے پہلے یہ آپ اس کا ریویژن کرتے رہیے ان آیتوں کا, 33 ٹو 64 جب ختم ہو جائیں گے ہم قرآن سے یہ آیتیں پوری جو حضرت عیسیٰ زکریہ اور مریم علیہ السلام کے بارے میں پورا قصہ ہے, یہ خطبہ بھی ہے جو اس وقت کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا, تو اس کا قرآن میں سے ہم ایسے ایک ایک آیت نہیں بلکہ آپ سے ہر ایک آیت کا کو سمجھائے گا اور اس کو واضح کرے گا, دیٹ از ہاؤ یو آر پکنگ اپ دا تھنگس, آپ کی انڈرسٹینڈنگ قرآن کی گئی, اس کے بارے میں آپ ابھی سے شروع کر دیجئے, جس دن ابھی 55 میں ابھی 5-9 آیتیں باقی ہیں, جب ختم ہو جائیں گے اس کے نیکسٹ ویک میں ایک پوری کلاس ہم قرآن اسکرین پہ ہوگا, اس میں 33 سے جہاں سے وہ شروع ہوئی تھی مصطفیٰ آدم و علی عمران, وہاں سے آخر تک 64 تک آپ کو ایک بار ریوائز کرنا ہے اور مجھے سمجھانا ہے, میں خاموش رہوں گا. چلیے وقت بھی ہو گیا, میری آواز آج بھی کٹ کٹ کے آ رہی تھی, صرف ایک بار گئی اور پھر یہ واپس آ گیا اسکرین ہو رہا, آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے آواز یا صاف آ رہی ہے؟ نہیں سر بہت, کوئی ایک بتائیں جیسے سے کلیئر تھی آواز, کٹ کے بھی تھوڑی آ رہی ہے سید صاحب, بہت تو نہیں کٹ رہی, نہیں نہیں بہت نہیں کٹ رہی بٹ تھوڑی کٹ رہی ہے, جی
ओके चलिए बना तकब्बुर मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह हम जो कुछ पढ़ सुन रहे हैं उसके उसको कबूल फरमाइए और हमारे समझने में सही रहनुमाई अता फरमाइए, आपके कलाम से दिलचस्पी अता फरमाइए, इसको खुद समझने और जिस जिस तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाने की तौफीक अता फरमाइए, हमारी नीयतों को साफ फरमा दीजिए, इस काम को नीयतों के लिहाज से कबूल फरमाइए। वाखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।